एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रिमेंडर मैथ्स हब आई एम रिमेंडर आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट थ्री का थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट थर्ड क्वेश्चन एज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेश फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड योर सोल्यूशन बाई सब्सटीट्यूशन मैथड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है थर्ड क्वेश्चन में उसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उन्हें सॉल्व करना है बाई यूजिंग सब्सटीट्यूशन मैथड प्रॉब्लम क्या है नंबर फोर्थ इज द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी

मीन्स अगर उसे कुछ डिस्टेंस कवर करना है किसी पर्सन को तो उसको एक फिक्स्ड अमाउंट देनी पड़ेगी और साथ में डिस्टेंस पर किलोमीटर जितना वो डिस्टेंस कवर करता है उसके अकॉर्डिंग चार्ज देना पड़ेगा फाइन सो so जैसे अगर वो टेन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो वो देता है रुपीज़ हंड्रेड एंड फाइव टैक्सी वाले को मींस उसमें हैं दोनों चार्जेस इंक्लूडेड हैं फिक्सड भी हैं और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड वो दोनों ही इंक्लूडेड हैं और अगर वो पंद्रह किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो फिर उसको रुपीज़ वन देने पड़ेंगे हमें फ़ाइंड आउट करना है कि वो फिक्सड चार्जेस क्या हैं और चार्ज पर किलोमीटर कितने हैं फाइन सो so, यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसी को लेट करते हैं हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज़ वाई सो स्टार्ट विद द सोल्यूशन लेट द फिक्स चार्जेज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज़ वाई तो फर्स्ट uh, स्टेटमेंट थी कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने दिए हैं रुपीज़ वन तो अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उसमें एक तो फिक्स चार्जेस आ जाएंगे और 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग जैसे वन किलोमीटर के हैं रुपीज़ बाई पर किलोमीटर के हैं रुपीज़ बाई तो टेन किलोमीटर्स के कितने हो जाएंगे टेन इन तो फिर x और टेन बाई को मिलाकर के जो उसने अमाउंट दी है टैक्सी वाले को दैट इज़ रुपीज़ वन इजी अगर आपने दो किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो अगर मान लीजिए एक किलोमीटर के हैं रुपीज़ हैं रुपीज़ फिफ्टी तो टू किलोमीटर्स के कितने हो गए फिर टू इन टू फिफ्टी दैट इज़ रुपीज़ हंड्रेड यहाँ पे तो वैसे ही है कि अगर टेन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ तो फिर टेन इन टू वाई अमाउंट आएगी और साथ में फिक्स चार्जेस तो वो लेगा ही टैक्सी वाला तो इन दोनों को मिला कर के बनते हैं रुपीज़ वन हंड्रेड एंड फाइव तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसकी एक्स दैट इज़ फिक्स चार्जेस प्लस टेन इंटू वाई दैट इज़ डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्जेस इज इक्वल टू टोटल पैसे उसने कितने दिए रुपीज़ वन हंड्रेड एंड so, फाइव सो यहाँ पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी बन गई वैसे ही अब सेकेंड इक्वेशन बनेगी कि फ़िफ्टीन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो रुपीज़ वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव दिए तो उसमें भी फिक्सड अमाउंट फिक्स चार्जेस भी आए और साथ में फ़िफ्टीन इंटू वाई देट इज़ अगर एक किलोमीटर के वाई हैं रुपीज़ तो फिफ्टीन किलोमीटर के कितने बन जाएंगे फिफ्टीन इंटू वाई इज इक्वल टू कितने हैं टोटल ये वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव दिस इज़ नंबर टू इक्वेशन इक्वेशंस हमारी बन गई अब इन्हें सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। सो सब्सटीट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं जो दोनों इक्वेशंस में से जो आपको इजी लगे वहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकाल लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं सो so, यहाँ पे जो मर्जी दोनों ही इक्वेशन ईजी हैं मैं ये फर्स्ट इक्वेशन चूज कर लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एक्स इज इक्वल टू देखिए अब देखिए एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे वन है जिस वेरिएबल का कोफिशंट वन होता है उसे हम एक साइड पे रह देते हैं और बाकी सब कुछ हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं अगर कोफिशेंट वन नहीं होता तो हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू एक साइड पे, पे किसी वेरिएबल को एक साइड पे रह देते और बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते वेरी इजी सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही है वन हंड्रेड एंड फाइव ये टेन वाई यहाँ पर प्लस का है उधर जाके ये माइनस का हो गया माइनस टेन वाई मार्केट इक्वेशन नंबर थ्री ये बन गई हमारी x की वैल्यू जो हम अब सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाली है तो सेकेंड में पुट करेंगे अगर आप सेकेंड में से निकालते हैं तो फिर फर्स्ट में पुट करेंगे फाइन सो so, आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है अगर यहाँ से वैल्यू निकाली है फर्स्ट में तो सेकेंड में पुट करेंगे वापस फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे फाइन सो so, हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम equation number 3 in equation number 2 second में हम put कर देते हैं x plus 15y बाई तो एक्स की वैल्यू क्या थी वन हंड्रेड एंड फाइव माइनस टेन बाई और साथ में प्लस फिफ्टीन बाई इज इक्वल टू ये क्या बना आप ब्रैकेट को ओपन करें 105 हंड्रेड एंड फाइव माइनस टेन बाई प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू वन अब यहाँ पे जो लाइक like वेरिएबल्स हैं जैसे y y हैं तो ये प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस हो जाएंगे माइनस प्लस इज़ माइनस सो 15 माइनस टेन इज़ फाइव वाई और बड़ा जो है नंबर वो है 15 वो यहाँ पे फिर प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है और साथ में 105 हंड्रेड एंड फाइव एज़ इट इज़ इज़ इक्वल टू वन अब क्या होगा ये जो 105 है ये उधर शिफ्ट हो जाएगा सो फाइव वाई इज़ इक्वल टू वन हंड्रेड एंड फिफ़्टी फाइव माइनस वन हंड्रेड एंड फाइव यहां पे प्लस का था उधर जाके ये माइनस का हो गया तो ये माइनस करके हमारा आंसर बन रहा है यस yes, 50, सो फाइव वाई इज इक्वल टू फिफ्टी तो अब y और 5 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो कौन सा होता है मल्टीप्लाई का साइन सो so, अगर 5 और y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमें y की वैल्यू चाहिए तो 5 जो है वो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 50 के साथ सो डिवाइड होकर के यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है तो y की वैल्यू बन रही है हमारी 10 मीन्स हमारे चार्ज पर किलोमीटर तो आ गए हैं रुपीज टेन अब हम ऐसे ही वैल्यू निकाल लेंगे फिक्स चार्जेस की मीन्स x की जो आपने थर्ड इक्वेशन मार्क की है जहां पे आपने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखी है वहां पे आप y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो हमारा x भी आ जाएगा इजी सो पुट y इज इक्वल टू टेन सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन नंबर थ्री एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा फिर वन हंड्रेड एंड फाइव माइनस टेन एंड टू टेन दैट इज वन हंड्रेड एंड फाइव माइनस हंड्रेड तो वहाँ से हंड्रेड एंड फाइव माइनस हंड्रेड इज फाइव तो एक्स हमारा कितना बन गया फाइव देआर फोर हम यहाँ पे एक कंक्लूडिंग लाइन लिख देंगे देआर फोर चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज

ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर इसके साथ एक छोटा सा पार्ट और है उसे भी हम रीड कर लेते हैं हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे तो उसको भी फिक्सड अमाउंट और चार्ज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे सो फिक्स अमाउंट हमने निकाल ली चार्ज पर किलोमीटर भी निकाल लिया तो उसको बस इसके साथ मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस चार्ज पर किलोमीटर को और साथ में फिक्सड अमाउंट ऐड करनी है एंड दैट्स इट तो हम यहाँ पे लिखेंगे देर फोर फॉर यहाँ पे लिख देते हैं एंड फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर अ पर्सन हैव टू पे जीकअल टू कितना पे करना पड़ेगा x प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू वाई दैट इज़ फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग 25 का डिस्टेंस है तो 1 किलोमीटर के रुपीज़ वाई थे तो 25 के कितने हो गए 25 फाइव इंटू वाई अब दोनों की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हुई हैं x था 5 और y था फाइन ये बन गया हमारा 5 प्लस टू फिफ्टी दैट इज़ टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव फोर For travelling a distance of 25 km amount to be paid is rupees 255. And that's it. यहाँ पे ये जो है हमारा uh, fourth part है, जो खत्म हो गया इसके दो parts थे. Uh, ये जो था ये छोटा सा पार्ट अलग से था और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी थी और उसमें पुट कर देनी थी, थी बस सेकेंड पार्ट के लिए एंड दैट्स इट अगर आपको कुछ डाउट्स आए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सो दैट जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहे थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स